क्लास में हमने पढ़ा कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और उनकी टर्म, उस कौन कौन से टर्म्स उनसे रिलेट करती है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। और पढ़ा कि जो रूल है इमेज फॉर्मेशन के बाय द कंकेव एंड कन्वेक्स लेंस, कौन कौन से रूल हम यूज करके इनका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या हम कैसे पता लगाएं कि कंकेव हमारा कैसी इमेज देता है, कब कैसे, ओके वो देखते हैं। हाँ देखो क्या लिया मैंने, मान लो मेरे पास कंकेव मिरर है जिसकी आउटर साइड तो क्या हुए सिल्वर है, इनर साइड क्या हुए रिफ्लेक्टिंग हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कंकेव मिरर, इसमें ये हमारा क्या है पोल, ये हमारा क्या होता है फोकस, और ये हमारा क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीन होते हैं पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं पहला देखती हूँ वैन, देखो हम यहाँ से बहुत से केसेस अराइज कर सकते हैं। पहला देखो ऑब्जेक्ट मिरर पे तो खड़ा हो नहीं सकता, खड़ा होने से मैं जाएगी नहीं। दूसरा क्या है जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। तीसरा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, चौथा जब इनके बीच में आ जाए, फिर इसमें आ जाए या फिर यहाँ पे हो जाए या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी हो, हमारे पास ये छह केस बनेंगे कंकेव में। तब तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, या जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, या ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, या ऑब्जेक्ट सी पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, इनकी इमेज देखेंगे। सबसे पहले हम इमेज देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस एंड पोल। पहला केस क्या है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो यहाँ पे, ये लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, क्या क्या होता था हमारे रूल्स क्या थे, जब रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से पास होती है फोकस से, तो रे पैरेलल गई कहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से पास हुई फोकस में से, कहाँ से पास हुई फोकस में से। दूसरी क्या थी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाए, क्या ऑब्जेक्ट से टच, सॉरी ऑब्जेक्ट से आई और कहां से पास हो जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो। अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से टच हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए ऐसी रे, ठीक है ऑब्जेक्ट से निकली रे, ऑब्जेक्ट से रे निकली इधर, रिफ्लेक्शन के बाद आई इधर, ठीक है क्या हुआ देखो देखो इसको ध्यान से कि हमारी ये जो भी रे है ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट से रे निकली और गई यहाँ पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने बात को रिप्लेस कर लेगी, ठीक है। तो ये क्या गई ऑब्जेक्ट से आई और गई वापस, ठीक है ऑब्जेक्ट से आई और वापस गई, रिफ्लेक्ट कर दी अपने पाथ को, यानी कि ऑब्जेक्ट से इधर गई इधर गई और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस आई। अब देखो यहाँ पे तो ये मिलने का मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो देखो उनको इधर मिला दूंगा, इधर मिला दूंगा, तो ये हमारी क्या बन गई इमेज बनी। तो हमने दो रूल का यूज किया, कौन 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 सा, जब हमारे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास टू द फोकस, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस में से पास होगा इधर आ गई, दूसरी क्या गई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई और अपने बात को क्या कर दिया रिट्रेस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं देखो, ऐसे ही हम दो अलग का यूज करके रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हमारे पास क्या है कंकेव है सिल्वर साइड, प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन ले लिए, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है पास टू द फोकस हो गए। तीसरा जब ये कोई ऑब्लिकली आई, ऑब्लिकली गई और कैसे, ठीक है आप देखो ऑब्लिकली गई
ऑब्जेक्ट को टच करते हुए। जब हमारी पहली रे क्या थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस। तीसरी क्या थी हमारी, जब हमारी रे ऑब्लिकली आई, कहां से, ऑब्जेक्ट के पास से ऑब्लिकली आई और वापस इधर गई, ठीक है, ये बन गए। तो ऐसे हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आगे मिलेगी पीछे मिलेगी। तो हमारी इमेज का कैसा नेचर है, कैसा है कि हमारी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर की इस साइड बन रही है, ये तो हमारा रियल वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट इधर है रियल वर्ल्ड में, बट इमेज कहां बन रही है हमारी, वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसी है हमारी, ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज कैसी है हमारी, वर्चुअल है। और दूसरा कैसा, वर्चुअल जो भी इमेज होगी इरेक्ट होगी, कैसी होगी, इरेक्ट। तीसरा लार्ज साइज की, ठीक है, ये हमारा क्या है इमेज का नेचर है, कैसे सोर्स से, ये ऑब्जेक्ट है हमारे, इससे रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास टू द फोकस। तीसरी ओब्लिकली गई, ठीक है, ओब्लिकली गई और यहाँ इधर आ गई। तो देखो इधर से मिलने का चांस नहीं है, पीछे मिलेंगे, पीछे कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे, ये हमारे क्या हो गई इमेज। ओके अंडरस्टैंड। नाउ देखो सेकंड केस, सेकंड केस हमारा क्या कहता है कि हमारा पोल पे इसको अपनी इमेज अच्छी नहीं लगी, ये कहता है मैं तो पोल से किधर और जाऊंगा, ठीक है, तो जाता नहीं गया। ये क्या है, पोल है, ये हमारा क्या था, फोकस था, और ये क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे था, इसको अपनी इमेज अच्छी नहीं लगी फोकस और पोल के बीच में जब था, फिर इसने क्या किया कि मैं तो फोकस पे जाऊंगा, फोकस पे गया, ठीक है, फोकस पे गया, तो इसने क्या लिया, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास कर दी। दूसरी क्या थी कि ऑब्लिकली रे आई, ठीक है, ऑब्लिकली गई और आज देखो उसने देखा कि जो रे आ रही है बिल्कुल पैरेलल आ रही है, पैरेलल का मतलब ना तो ये इधर मिल सकती, ऐसे भी इधर भी नहीं मिल पाई, इधर भी नहीं पाई, तो यानी कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे, कहां बन रही है, इंफिनिटी पे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है हमारा, इमेज देखो इधर है रियल इमेज, नीचे की तरफ है इनवर्टेड इमेज, ठीक है, तो कैसी इमेज होगी हमारी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल वर्ल्ड में इमेज बन रही है, यानी कि इंफिनिटी पर पता नहीं है हमें, और इनवर्टेड नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब हमारा क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब ये फोकस पे था, बोला कि मुझे यहाँ पे भी इमेज अपनी अच्छी नहीं लगी, मैं तो इन दोनों के बीच में जाऊंगा। अब देखो इन दोनों के बीच में जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी कंकेव मिरर है, ठीक है, फिर क्या क्या, प्रिंसिपल लाइन, ये हमारा क्या है पोल, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो यहां पे आ गया, आ गया, फिर मैंने क्या किया, फिर ये कहता है कि रे पैरेलल जाती है इस सोर्स से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस, इधर आ गया, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि रे आती है ओब्लिकली, ओब्लिकली रे गई, ठीक है, ओब्लिकली गई ऐसे, तो हमारी रे कहां बन गई, हमारी इमेज जहां पे ये कट करे इधर बन गई, तो ये हमारी क्या है इमेज आ गई, कैसे गई, ओब्लिकली गई। ये रे हमेशा सोर्स से निकलती नजर आएगी आपको, ठीक है। तो कैसा नेचर आया इमेज का, नेचर ऑफ द इमेज कैसा आ रहा है, देखो रियल वर्ल्ड में है इमेज, रियल, इनवर्टेड है, इनवर्टेड, तीसरी लार्ज साइज है, लार्ज साइज, ठीक है। तो ये हमारे आ गया, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है, तो हमारे देखो इधर है, इन दोनों के बीच में इमेज बनी इधर, अब हम
ठीक है, सी पे गया। सी पे जाने के बाद क्या किया इसने, ये हमारा क्या है फोकस, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये ले लिया। तो क्या किया इसने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, रे ले ली ऐसे ही। दूसरी क्या कहता है, मैं तो फोकस से पास करूंगा रे को और पैरेलल ले जाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस को, कैसे ले जाऊंगा पैरेलल टू द, बिल्कुल स्ट्रेट होने स्केल से करोगे बिल्कुल अच्छे से आएंगे, ठीक है, ये क्या था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या कह रहा है, ये हमारा क्या था फोकस, दूसरी रे कैसे दी इसने पैरेलल फोकस में से पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हमें इमेज लानी थी यहाँ। तो अब देखो इमेज जो हमें मिल रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सेम साइज की बट इनवर्टेड, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमें सेम साइज की इमेज देगा एज ऑब्जेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, सेम साइज की, कैसी रियल एंड इनवर्टेड, कैसी इमेज मिल गई हमें रियल और इनवर्टेड इमेज। अब ये फिर से कहता है ये ऑब्जेक्ट की मुझे नहीं आई पसंद, मैं फिर से अब इसी से आगे जाऊंगा फिर अपनी इमेज देखूंगा, ठीक है। अब कहता है मैंने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी से इधर आ जाए, ठीक है, अब देखो सी से इधर का ऑब्जेक्ट हमारा तब क्या होता है, ये देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा मान लो कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, रे ले कैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, ये ले ली। फिर क्या कहता है, दूसरी रे ली मैंने कि ओब्लिकली ले, मान लो ओब्लिकली जा रही है, ठीक है। अब देखो जो इमेज बनी वो हमारी बनी इधर इधर, तो देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा इधर है तो इमेज कहां बनती हमारी इधर, और ऑब्जेक्ट इधर था तब इमेज बन रही थी इधर, ओके। तो नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, कैसा नेचर आया हमारा इमेज का, रियल एंड इनवर्टेड, ओके, यहां तक आया समझ। अब देखो ये कहता है मुझे यहां से भी अच्छी नहीं लगी, मैं तो इंफिनिटी पे जाके देखूंगा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंफिनिटी पे जाता है, माय ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे गया। अब देखो क्या नेचर आता है, ठीक है, इंफिनिटी पे जाता है। अब देखो इंफिनिटी से गया, ये हमारी क्या थी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या था फोकस, और ये क्या था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, ठीक है, इंफिनिटी से रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस, दूसरी फिर रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस। अब देखो हमें कैसी इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी, ठीक है, बट कैसी रियल इमेज और पॉइंट साइज, तो ये हमारी कंकेव के केस में छह केसेस हो। आप देखते हैं हम कन्वेक्स मिरर जो कहां कहां पे इमेज देता है, ठीक है, वो देखना है। अब देखो कन्वेक्स मिरर में हम पहले कंडीशन देखते हैं उसकी क्या क्या कंडीशन है। अब देखो ये क्या है हमारा, जिसकी इनर साइड तो क्या है सिल्वर और आउटर क्या है रिफ्लेक्टिव, ये हमारा क्या है पोल है, ये हमारा क्या है यहाँ पे फोकस है, ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे देखो जो कन्वेक्स मिरर है हमारा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर है हमारा उसमें क्या है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहा है, उसमें तो हम एग्जिस्ट कर नहीं सकते, तो हम उसमें इमेज जैसे कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, इन फोकस पे वो नहीं देख सकते, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नहीं देख सकते, बियॉन्ड सी वो नहीं देख सकते, जो पॉसिबल है वो देखो। अब देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, कैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन पहला केस बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो रे आई पैरेलल
प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास की योजी पर नजर आती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी रे है पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस के पहले एंड पास थ्रू द फोकस जाती हुई नजर आती है, ठीक है। अब देखो इमेज कैसे बन रही है हमारी, यहाँ पे बन रही है फोकस पे इमेज, देखो वर्चुअल बन रही है, तो इमेज क्या होगी हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ओके। अब देखो आगे हमारे दूसरा केस है कन्वेक्स का ही, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और काम वैन ऑब्जेक्ट, सेकंड केस वैन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड फोर, ठीक है। अब देखो ये क्या था हमारा कन्वेक्स मिरर था, ठीक है, ये कौन सी थी प्रिंसिपल एक्सिस थी हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या था पोल था हमारा, ये यहाँ पे क्या था फोकस था, ये क्या था सॉरी ये यहाँ पे क्या था हमारा फोकस था, और ये क्या था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था, ठीक है। आप देखो यहाँ से जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, फोकस में से पास होती नजर आई, ठीक है, हो गया। आप देखो तीसरी कहां से, मैं कहती हूँ कहां से गई थी, रिट्रेस करें अपने पास को, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास, ठीक है, ऐसे हर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाए, जो ऑब्जेक्ट से निकली है कहां से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो, ठीक है। तो हमारी इमेज कहां बनी, इधर बनी, ठीक है। कैसी बनी इमेज, ये हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस, फोकस में से पास नजर आनी चाहिए, ये दूसरी क्या अपने पाथ को रिट्रेस करे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के, और हमारी इमेज कहां बन गई है यहाँ पे, ठीक है, कहां बन गई इमेज हमारी, ठीक है। तो ये कौन सी इमेज का कैसा नेचर है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। तो ये हमारी इमेज थी कन्वेक्स और कंकेव के द्वारा अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पे फॉर्म हुई इमेज, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका आपस में क्या है, क्या रिलेशन है, किसका किससे, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम एक तो न्यूमेरिकल भी उसी क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।